छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए किसान, व्यापारी, नेता, अधिकारी सब पर ईडी छापा मारती है ऐसा कहा, लेकिन अडानी पर ईडी छापा नहीं मारती। नान घोटाला, चिटफंड और महादेव ऐप पर कार्यवाही नहीं करती है क्योंकि इसमें भाजपा नेताओं के नाम है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को लखनऊ के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह कहते नजर आए। आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के सारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाईकोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालते। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहां जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहां से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है। यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। इस कारण से वो महादेव ऐप के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करती।